बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दानिश एग्रीकल्चर में खुश आमदीद। आज हम मौजूद हैं जी अल मदीना इंजीनियर्स लाहौर रोड अखाड़ा पर। ये मकई प्लांटर इन्होंने तैयार किया है, सीड प्लांटर ऑटोमेटिक। इसका मुकम्मल आपको रिव्यू करवाते हैं, इसकी कीमत क्या है, एंगल कैसे कैसे लगाए गए हैं, और ऐसी क्या ख़ास बात है कि अखाड़ा की जो ये सीड प्लांटर है ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ दिए कि बेल आइकन पर लाजम क्लिक कर ले ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहली खासियत तो ये है कि इसकी जो नोज़लें हैं वो स्टील की हैं। दूसरी बात, इसके अंदर जो गरारी है वो भी लोहे की इस्तेमाल की गई है, ना कि प्लास्टिक की। तो इसी तरह अगर एंगल की बात की जाए तो वो भी काफ़ी मोटी चादर का लगाया गया है, ये आप देख सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खासियत आपको बताते हैं कि बहुत से किसान भाई कहते हैं जी प्लांटर मिट्टी बहुत इकट्ठी करता है, वाइब्रेट बहुत करता है। तो ये इनकी गारंटी है कि ये वाला प्लांटर ना तो मिट्टी इकट्ठी करेगा और ना ही ये वाइब्रेट करेगा, क्योंकि हर चीज़ इन्होंने खुद तैयार की हुई है। ये देखें जी आगे वाली साइड पर ये नट की मदद से लगाया गया है। अगर ये देखें, ये टोटल मोटे लोहे से तैयार किया गया है। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो डॉलर के रेट के हिसाब से कीमत जो है वो रोज़ ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि लोहा महंगा हो जाता है, कभी सस्ता हो जाता है। तो मज़ीद मालूमात के लिए इनका नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इनसे राबता कर सकते हैं, इसकी कीमत के बारे में पूछ सकते हैं और इसमें मज़ीद क्या क्या क्वालिटी है या आपको कौन सी क्वालिटी चाहिए, हर तरह का ये तैयार कर कर आपको देंगे। तो ये नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।